हे गाइस, दिस इज हर्षित हियर। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ माइनक्राफ्ट। और फाइनली आज मैं पहली बार माइनक्राफ्ट जावा एडिशन का वीडियो बना रहा हूँ। मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता कि इस पे कैसा रिस्पांस आने वाला है, बट यार मैं बनाने का एक बार ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ना जावा एडिशन खेलते हैं, तो मैंने सोचा भाई उनकी भी हेल्प हो जाएगी। पॉकेट एडिशन वालों, हर बार तुम्हारी हेल्प करता हूँ ना, अभी कोई नहीं बोलेगा कमेंट में जाके कि भाई जावा की वीडियो क्यों डाला तुमने। बाय द वे, आज मैं बना रहा हूँ माइनक्राफ्ट जावा एडिशन की पहली वीडियो मॉड्स के ऊपर, जो कि पीवीपी मॉड्स होने वाले हैं। और बिलीव मी भाई, पीवीपी मॉड्स सबको चाहिए। और अगर तुम लोग सोच रहे हो ना माइनक्राफ्ट जावा एडिशन कौन सा वाला भाई, प्रीमियम वाला कि कौन सा वाला, तो तुम समझ जाओ कि मैं कौन से वाले की बात कर रहा हूँ। देखो, प्रीमियम तो मैं खुद नहीं खेलता था, एंड मैं जो तुमको देने वाला हूँ तुम समझ गए कौन सी मुंदरी बनाई फिरे। अब अगर आप लोग यहाँ पर भी कंफ्यूज हो रहे कि क्या आप लोग इसको पोजैब लॉन्चर में चला सकते हो, तो हाँ आप लोग इसको पोजैब लॉन्चर में चला सकते हो, लेकिन मैं इसको नहीं चलाने वाला, क्योंकि मैंने यहाँ पर सोडियम का यूज़ किया है। और सोडियम पोजैब लॉन्चर में पता नहीं भाई क्यों नहीं चलता। देखो मैं सच बता रहा हूँ, सोडियम अभी तक पता नहीं क्यों नहीं चल रहा मेरे हाथ से। और अगर आप लोग ऑप्टिफाइन से लगाओगे तो ऑप्टिफाइन से आप लोग चला सकते हो। और हाँ, ये जितने भी मॉड होने वाले हैं ना, ये 1.19.2 के लिए होने वाले हैं, मतलब कि लेटेस्ट वर्जन है और बढ़िया चलेंगे। और हाँ, ये सोच के पैनिक बिल्कुल भी मत होना कि आपका अगर लो एंड पीसी है तो उस पर नहीं चलेगा। देखो, 4GB रैम है या 2GB रैम तक के भी लैपटॉप होंगे ना, तो मैं उस पर चलवाने की कैपेबिलिटी दिखवा दूंगा। देखो, इसलिए मैंने सोडियम को यूज किया यहाँ पर, मतलब कि मेरे पास एक पुराना पीसी भी है, उस पर 4GB रैम है और उस पर प्रोसेसर भी बहुत घटिया सा है, लेकिन उस पर फिर भी माइनक्राफ्ट 60 FPS में चल जाता है मॉड के साथ। अरे भाई, इतनी सारी चीजें बता दी, मैं एक चीज तो बताना भूल ही गया, गॉड स्पंकी सर्वर चालू हो चुका है। हाँ भाई, 10 दिन के बाद सर्वर फिर से चालू हो चुका है और इस पे FFA नया वाला अपडेट आया है, मतलब कि जो मैं खेल रहा हूँ ना, ये अपने गॉड स्पंकी में खेल रहा हूँ। तो यार, आप लोग वीडियो के बाद उसको ज्वाइन करना, मैं भी वहीं पर खेलते मिलूंगा तुम्हें। तो मैं अपने गेम में आ चुका हूँ पूरे मॉड्स को लगा के। मॉड्स को कैसे लगाना है मैं अच्छे से आप लोग को बता दूंगा, लेकिन अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि कौन कौन से मॉड मैंने इंस्टॉल किए। आपको बैक जाना है और देखो यहां पर कितने सारे मॉड है, मतलब कि बहुत मस्त मस्त मॉड है। और मैंने यहां पर इरिस भी रखा ताकि अगर आपको शेडर चलाना तो आप चला सको। तो देखो, सबसे पहले मॉड हमारा जो है ना, वो ये वाला सोडियम मॉड। अब देखो, सोडियम मॉड तो ये ना सबसे मेन मॉड है, मतलब इसी के कारण सब चीज चल रही है। और मैंने पार्टिकल ऑफ रखे हैं ताकि अगर आप लोग का 2GB रैम वाला लैपटॉप हो ना, तो वो आराम से झेल ले। अगर आप लोग डिमांड करोगे कमेंट में, तो सोडियम मॉड के ऊपर मैं पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा। और अभी देखो, मैं आपको दिखाता हूं फर्स्ट वाला मॉड। फर्स्ट वाला मॉड है फ्री कैम। अब ये देखा आप लोग ने, बहुत सारे यूट्यूबर्स यूज करते हैं, आपको बस अपने कीबोर्ड में F4 दबाना है और आप F4 दबा के ना अलग से स्पेक्टेटर मोड में चले जाओगे। आपका प्लेयर वहीं खड़ा रहेगा, लेकिन आप एक अलग स्पेक्टेटर में घूमते रहोगे और ये लीगल है। अब ये चीज ना जब काम आती है, जब आपको किसी का बेस फाइंड करना हो या फिर आपको आसपास देखना हो कि रिसोर्सेस क्या है, और आप F4 फिर से दबाओगे तो आप लोग अपने प्लेयर के अंदर आ जाओगे। भाई साहब, मस्त मॉड है ये। नेक्स्ट वाला मॉड बहुत ज्यादा पॉपुलर है, आपने इसका नाम सुने होंगे, बस आपको अपने कीबोर्ड में F8 को प्रेस करना है। और ये देखो भाई, हर्ट कैम। हर्ट कैम का नाम तुम लोग ने सुना होगा, मतलब कि आप लोग को अगर डैमेज पड़ेगा ना, तो आपकी स्क्रीन शेक नहीं होगी। अभी मैंने यहाँ पर फ्लिंट एंड स्टील से आग लगाई और अभी देखो मेरे को डैमेज पड़ रहा है, लेकिन स्क्रीन नहीं हिल रही। हर्ट कैम ऑफ रहेगा तब आपको डैमेज नहीं पड़ेगा। हर नंबर के मॉड का नाम है आइटम फिजिक्स मॉड। आप लोग ने देखा होगा फेदर में ये वाला मॉड बहुत ज्यादा यूज होता है। और देखो, मैं यहाँ पर कुछ भी चीज फेंक रहा हूँ तो उसके एनिमेशन भाई साहब, और ये ना ज्यादा रिसोर्सेज यूज नहीं करता है, मतलब कि आपकी रैम ज्यादा यूज नहीं होगी। और भाई, ये हर चीज में काम करता है, लिटरली हर आइटम में। भाई साहब देखो, मैं पेड़ काट रहा हूँ तो ये कैसी घूम के आ रही है लकड़ी, भाई ये बड़ा अच्छा लग रहा है। अगर यहाँ पर एक फिजिक्स मॉड होता ना, मतलब कि मेन फिजिक्स मॉड, तो भाई वो पेड़ की ना एक लकड़ी तोड़ते गिर जाता हूँ पेड़। वैसे मैंने उसको इंक्लूड नहीं किया, नहीं तो भाई बहुत ज्यादा गेम लैग होता है। चौथे नंबर का मॉड बेस्ट मॉड है। आप लोगों को मॉड्स में जाना है और आप लोगों को यहाँ पर इन्वेंटरी हर्ड करके एक दिखेगा, आपको यहाँ जाना है और आप लोग यहाँ पर कॉन्फ़िगर में जाना है। अब ये कैसे आएगा मैं बताता हूँ आपको, और आपको सब चीज को ऑन कर देना। देखो, मैंने ऑन कर दिया और ये आखिरी वाले में जाके आपको सेटअप कर लेना। देखो यहाँ पर साइड में दिखा रहे कि कैसा दिखेगा, मैंने इसको सेटअप कर लिया। पोशन को थोड़ा नीचे कर देते हैं और देखो, उसके बाद जब मैं बैक जाऊंगा ना, देखो भाई मेरी आर्मर की हेल्थ दिख रही है और परसेंटेज में दिख रही है। अभी देखो, मैंने फुल आर्मर पहन लिया तो कितना सही दिख रहा है भाई साइड में। और अभी देखो, मैं आपको पोशन भी लगा के दिखाता हूँ, मैंने पोशन लगाए तो देखो यहाँ पर साइड में जो पोशन बार आ गया ना, ये काफी ज्यादा मस्त दिख रहा है भाई। और अब इसको देख के कोई नहीं बता पाएगा कि ये मुंदरी बनाई फिरे। भाई फेदर क्लाइंट रो रहा होगा साइड में बैठ के, मेरे साथ अन्याय हुआ है। लास्ट मॉड है और इसको मैं उतना ज्यादा प्रीफर तो नहीं करता, क्योंकि ये एक चीटिंग के अंतर्गत आता है और इसका नाम है ऑटो टोटम। देखो मेरी इन्वेंटरी में 3 टोटम है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर स्पेक्टेटर में ऊपर जाऊंगा और ऊपर से जैसे ही नीचे कूदूंगा ना, तो ये ऑटोमेटिक मेरा एक टोटम फूटने के साथ दूसरा ऑटोमेटिक ऑफ हैंड में आ जाएगा। देखो ये फूटा और वो वाला ऑटोमेटिक ऑफ हैंड में आ गया। अभी देखो, तुमको इससे सर्वर में बैन भी मिल सकता है, क्योंकि ये एक स्क्रिप्ट को यूज करता है और अगर वो स्क्रिप्ट एंटी चीटर पकड़ लिया ना बेटे, तो पिक्चर बन जाएगी तुम्हारी। इसलिए मैं तो कह रहा हूँ कि इसको यूज मत करना तुम लोग सर्वर वगैरह में, तुम लोग इसको सिंगल प्लेयर में जितना यूज करना करो। तुम लोग वार्डन के सामने जाओ इसको लगा के।
ये मत सोचना कि वो कोई पॉकेट एडिशन वाला बंदा था, वो बीबीए गॉड था और हम लोग जस्ट चेकिंग कर रहे थे और सर्वर चालू हो चुका है और वन ऑफ द बेस्ट सर्वर है अभी तक का हम लोग ने जो अपडेट किया है। तो प्लीज एक बार आके खेलना, देखो तुम्हारा कोई भी पैसा नहीं लग रहा है, बस तुम्हें आके एक बार खेलना है। इसके अलावा गाइस गॉड इज पंकी में इलाइट्रा पीवीपी आ चुका है जो कि इंडिया का पहला है और अभी तक किसी भी सर्वर पे इलाइट्रा पीवीपी इंट्रोड्यूस नहीं किया है और ये बहुत मस्त है भाई। मतलब तुम लोग जितना इमेजिन कर रहे हो ना उससे भी ज्यादा कहीं हटके है ये और ये पीई और जावा दोनों के लिए है, तो तुम समझ सकते हो कितना मजा आने वाला है। भाई साहब हम मुद्दे की बात पे आते हैं। मॉड्स को इंस्टॉल करने के लिए आपको सबसे पहले इसको डाउनलोड करना है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक दे दूंगा अपनी वेबसाइट में। उसके बाद आपको अपना लॉन्चर ओपन करना है। ये कौन सा लॉन्चर है आपको अच्छे से पता है। लॉन्चर के खुल जाने के बाद देखो यहाँ पर आपको साइड में एक फोल्डर टाइप का दिखेगा। देखो ये जो फोल्डर दिख रहा है ना, आपको ये फोल्डर पे क्लिक करना है। आप लोग यहाँ पर माइनक्राफ्ट की लोकेशन में पहुंच जाओगे। अब जो तुमने डाउनलोड किया था ना उसको अनजिप करना सबसे पहले। देखो यहाँ पर विनरार दिख रहा है ना, ये विनरार से इसको एक्सट्रैक्ट हियर करना है। देखो मैं इसको एक्सट्रैक्ट हियर कर लेता हूँ और उसके बाद देखो एक फोल्डर आ गया। देखो मेरे पास ये जो फोल्डर है मॉड्स वाला, आपको ये वाले इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। देखो इसके अंदर मॉड्स है बहुत सारे, तो आपको ये वाले फोल्डर को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है यहां पर। अब मैं पुराने वाले को पहले डिलीट कर देता हूं और ये वाले को उठा के आप लोग को यहां पर डाल देना है। ये देखो मैंने डाला और देखो यहां पर ये ऑटोमेटिकली हो गया। अभी आपको कुछ नहीं करना, अभी आप लोग को इसको कट करना है ये पूरे के पूरे टैब को और आपको वर्जन को सिलेक्ट करना है। देखो मैं यहां पर 1.19.2 कर रहा हूं फैब्रिक वाला, ध्यान रहे यही करना और एंटर टू गेम कर देना। अगर आप लोग ये नहीं करोगे ना तो आपका गेम नहीं खुलेगा, यही करना। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई होगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो कि माइनक्राफ्ट जावा एडिशन खेलते हैं। देखो ये बिल्कुल मैटर नहीं करता कि तुम्हारा पीसी कितना ज्यादा लो एंड है। मैंने सोडियम डाला ना तो सोडियम से भाई सब सही हो जाएगा, बस पार्टिकल को बंद कर देना। तो वह मैं मिलूंगा आप लोग से अनदर धमाकेदार वीडियो में। गॉड इस पंकी को ज्वाइन करना मत भूलना क्योंकि उस पे लाइफ स्टील और सर्वाइवल वो भी रिलीज हो चुका है। हाँ सर्वाइवल भी नया रिलीज हुआ है, तो हाँ उसको भी एक बार ट्राई देना। चलो वीडियो को एंड करते हैं। टॉप वाली वीडियो को क्लिक करके आप गेम प्ले वीडियो देख सकते हो मेरे दूसरे चैनल की और साथ में नीचे वाली वीडियो क्लिक करके आप लोग मेरे यही वाले चैनल की दूसरी वीडियो देख सकते हो। तो या मिलेंगे किसी अनदर धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।